अरे भाई तुम्हें कल तो पैसे दिए थे ना मैंने, समझ नहीं आती क्या तुम्हें? मैनेजर एक सेकंड रुको। हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अगर फोन पे बात कर रहे हो तो। नहीं नहीं कोई नहीं, वो हो गया, बताओ क्या बात। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो सोच रहे कुछ अच्छा खाने में बना दो, आप आइडिया दे दो क्या बना दो। तेरे दोस्त आ रहे हैं? आए दिन तेरे दोस्त आते रहते हैं, शर्म आ रही है तुझे? कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या मैंने? इतना बाप का घर है ये। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरे से? तू काम धाम नहीं करती, काम मैं करता हूँ, मेरे पैसों से सामान आता है, राशन पानी मैं भरता हूँ हर महीने। तो आप ही ने तो मुझे बोला है कि मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है, तभी तो नहीं कर रही। तो बैठ के खिला रहा हूँ ना, तो आए दिन क्या वो घोड़ों की तरह चरने आ जाते हैं? गधे कहीं के, माइंड योर क्या लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज सुधारो तुम। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में चले जाएंगे वो, बस मुझसे मिलने आ रहे हैं शादी के बाद। वो तुम्हारी थोड़ी देर ना कभी बंद नहीं होती, वो थोड़ी देर के 10 घंटे लगाते हैं। बढ़िया, उनको फ्री फंड की एसी मिल जाती है, फ्री फंड का खाना मिल जाता है, हराम की चीजें मिल जाती हैं, और चाहिए क्या उन लोगों को? एसी नहीं चला, उनके हस्बैंड तो कुछ करते हैं नहीं, नन ले गएंगे। सोफे देख रही है कितने लाख के, 2 लाख के सोफे हैं ये, देखे उन्होंने कभी? मुझे पता है, लेकिन क्या आधे घंटे के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे। देखो यार अंकिता, तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाएगी, तुम अपने मायके जा सकती हो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी फ्रेंड इस घर में नहीं आनी चाहिए, बात खत्म। किस तरीके से बात कर रही, मैं तुम्हारी वाइफ? यार क्या बातें कर रही हूँ, नहीं तुम समझती क्या हो अपने आपको? इतनी सारी महंगी चीजें ला के रख रखी है मैंने, कितना खर्चा आता है पता भी है तुम्हें? तुम्हें नॉलेज नहीं है ना, तुम तो सिर्फ खाने खाने की और अपने दोस्तों को बस, जैसे कि वो मैंने कोई तबेला खोल रखा है कि घास डालनी चरने वाले पहले आ जाते हैं। अश्वनी प्लीज, आप बार बार किस तरीके से बात कर रहे हैं मेरे से, आपको तमीज नहीं? किस तरीके से मुझसे बात करनी चाहिए? हस्बैंड ने ठीक है, इट्स ओके। मुझे ना तमीज मत सिखा, तुझसे ज्यादा नॉलेज है मुझे, ठीक है? काम मैं करता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ। तो मैं भी तो घर में काम करती हूँ ना, ये तो नहीं है कि घर का काम कर रही हो, करते हो घर के काम के लिए हो तुम, ठीक है? कोई फ्री फंड का थोड़ा ना खिलाऊंगा तुम्हें बैठ के, बाहर का नहीं तो घर का काम तो करोगी तुम। एक काम करते हैं, आप घर पे बैठ जाइए और मैं बाहर संभाल लेती हूँ, तब पता चल जाएगा आपको कि किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाहर की चीजें ना औरतों पे सूट नहीं करती और उनके बस की भी नहीं है। पता नहीं एक तो कैसी मेंटल थॉट बना रखी, घुटनों में है क्या तुम्हारा दिमाग है? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? क्योंकि मेरा हक है हाथ उठाने का, ठीक है? और मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वाइफ गुलाम नहीं हो तुम्हारी की तुम्हारी मार सहूंगी। मुझसे ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और क्या 2 महीने में 10 दिन में 15 दिन में कभी तेरा बाप आ जाता है, कभी तेरी माँ आ जाती है, कभी तेरा ताऊ आ जाता है, कभी तेरा चाचा आ जाता है, कोई क्या समझ रखा है यहाँ पे? इतना अच्छा घर ले लिया, सबको जलन होती है क्या? उनके औकात तो है नहीं घर लेने की। बेटी उनकी, और अगर वो अपनी बेटी से मिलने आ रहे क्या बुराई है? एक बार मिलने आता है इंसान, बार बार मिलने नहीं आता। फ्री फंड का एसी और फ्री फंड का खाना जो खाना होता है उनको यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं है शायद मेरे मम्मी पापा यहाँ का पानी तक नहीं पीते। पानी तक नहीं पीते, तुम्हें पता है इतनी कितनी मेहनत लगती है? पेड़ पे तो उगते नहीं है, पैसे तोड़ने पड़ते हैं। यार नेहा गेट भी ओपन रख दिया है, क्या करती है इस लड़की ही? के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग सही होता है जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। तेरे फ्री फंड के रिश्तेदार यहाँ पे आके बैठ जाते छाती के ऊपर, और क्या तेरे रिश्तेदारों के पास पैसा वैसा नहीं है क्या? कितने हजार कमाते हैं वो लोग, कभी गुलाब चुरा ले जाएंगे, कभी वो कुछ सामान चुरा ले जाएंगे, कितनी मेहनत से इकट्ठा करता हूँ जानती हो तुम? मेरे घर वाले जरूर आते हैं लेकिन चोरी करने नहीं आते। चोरी? वो तेरी फ्रेंड आई थी, उसने दीवार पे थूक दिया था, तेरा बाप आके साफ कराएगा उसे? कैसे हो आप दोनों? बैठो ना, अच्छा है ना सोफा? काफी कंफर्टेबल है। वैसे आने में कोई दिक्कत तो नहीं एड्रेस वगैरह में? नहीं। दरवाजा खुला छोड़ देती हो क्या तुम? हाँ दरवाजा खुला ही था, वही हम दोनों सोच रहे थे कि दरवाजा क्यों खुला है। मैंने लगवा रखी है 50,000 की रिंगटोन लगवा रखी है। इनकी ना मजाक करने की आदत, और तुम्हें तो पता है ना जीजू थोड़े होते हैं नोटी मजाक करने वाले, तो बस वो ये तो कुछ ज्यादा ही नोटी है। हाँ कुछ खाना पीना मैं बनाऊं? हाँ हाँ खाने आए होंगे, मैं ले आता हूँ। ऐसे मानना पड़ेगा कॉलेज की बात, तो ऐसा लगा कि तुम लोग मुझे भूल ही गए हो, पर फाइनली सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बिछड़े हुए दोस्त मिल जाए। सच में इसको दिया था आईफोन, ले गया इसका बाप, 1.5 लाख का लाया था। अरे कुछ नहीं, मैंने बोला ना इनके मजाक करने की आदत है, और ये मेरे मम्मी पापा के साथ भी ऐसे मजाक करते हैं, और मेरी फैमिली भी इतनी ओपन माइंडेड है कि इनके माहौल में ढल जाए। मैं कोई मजाक नहीं करता। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी? मेरी लाइफ, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि
मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते हैं। इवन यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी अपने माँ बाप की तरह रखते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मेरे मम्मी पापा के पास मेरे अलावा कोई नहीं है, ना उनका कोई बेटा है। अच्छा ये सब तो ठीक है अंकिता, तुम खुश तो हो ना? हाँ, अब जिसके पति के पास इतना सब कुछ हो वो भला दुखी हो सकता है क्या? और क्या, क्या ही कमी छोड़ रखी मैंने, सब कुछ तो है घर में। जरूरी थोड़ी है कि पैसा से इंसान खुश हो। वैसे पहले तुम कितनी सुंदर लगती थी ना, एकदम गोलू मोलू गोरी, अब क्या हो गया, रंग भी डल पड़ता जा रहा है और तुम्हारी शक्ल भी। कुछ नहीं, बस टाइफाइड हो गया था, तबीयत खराब थी इसलिए। इसकी कोई फ्रेंड आई थी बाहर से जैसे तुम लोग आए हो, वो भी बीमार थी इसलिए बीमार हो गई। 1,00,000 रुपए लगवा दिए मेरे हॉस्पिटल में। ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ना भूख लग रही है, कुछ खाना पीना? हाँ मैं लाती हूँ। नहीं नहीं मैं जाता हूँ खाने के लिए, तो आए हैं। देखा कितने केयरिंग है यार अंकिता। हाँ हाँ डेफिनेटली मैं खुश हूँ, दिख रही कितनी खुश हूँ यार, देख कितनी झूठ बोल रही है। दिख रहा है, जब ही तो पूछा तुझे क्या लग रहा है हमने कुछ देखा नहीं, हमने सब सुना है और सब देखा। अरे वो ऐसे बोल रहे थे, एक्चुअल में क्या होता ना मुझसे उनका लैपटॉप टूट गया था तो मुझ पर गुस्सा कर देते, दैट्स इट। तो कितनी अच्छी है नजर की, इसलिए शायद तो ये सब झेल रही है। अगर तेरी जगह कोई और लड़की होती ना, 1% उस इंसान को नहीं झेलती, हर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। और फ्रेंड्स आते हैं वो मिलने आते हैं ना कि खाने पीने, सबके घर में खाना पीना होता है, किसी घर में कोई खाने नहीं जाता। इतनी सेंस उसे होनी चाहिए, और जिस तरीके से उसने इतनी छोटी सी बात के लिए तुम पे हाथ उठाया ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। भाई क्या कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अब मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल तो वही रखते हैं ना, तो गलतियाँ होती हैं, तो जो हमें प्यार करता है वो हमें डांटने का हक भी रखता है ना। अंकिता ये प्यार नहीं है, ठीक है? अगर ये प्यार होता ना वो इंसान हाथ नहीं उठाता, वो हाथ उठा रहा था तुम पे, हमने देखा वहाँ से, हमने सब कुछ देखा। हाँ ये सब तुम बर्दाश्त क्यों कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी हक है कि तुम लड़ो। और ऐसी क्या ही मजबूरी रही होगी जो तू इतना सब कुछ सह रही है। देख तो अभी भी बहुत अच्छी दिखती है, छोड़ दे इसे। क्या करूँ, मजबूरी में गधे को भी पाप बनाना पड़ता है ना, तो मैं चार दीवारी से बाहर जा सकती हूँ और ना ही किसी से मैं कुछ कह सकती हूँ। क्या बोलो यार, जब से शादी हुई है तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसा है, अमीर पति दिया है, लेकिन एक प्यार करने वाले पति और प्यार करने वाला दोस्त नहीं मिला है एक पति में। जब देखो तब इतनी इतनी गलतियों पर जो कि बिना लॉजिकली होती है उस पर हाथ उठा देता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है, किससे बोलूँ अपने मन का दर्द। देख अंकिता, हम लोग तेरे दोस्त हैं और तेरी मुसीबत में तेरे साथ रहेंगे, है ना नेहा? हाँ। और सुन, तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तू आज भी बहुत अच्छी दिखती है। देख तू आज भी चाहे तो शादी कर सकती है। और देख अमीरी गरीबी में क्या रखा है, ये अमीर तो है लेकिन तेरी इज्जत नहीं करता, इसके जगह में कोई और होगा ना उसके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन तेरी इज्जत करे ना, वो बहुत बड़ी बात होगी। पता नहीं कौन से मेडिकल थॉट में जीते हैं कि लड़कियां सिर्फ चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो घर और बच्चे संभालने के लिए बनी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है अंकिता, ये तुम्हारी सोच ऐसी हो गई है क्योंकि तुम इस इंसान के साथ रहती हो। तुम्हें कोई भी लड़का मिल सकता है, जरूरी नहीं कि तुम्हें पैसे वाले ही मिले, थोड़ा कम कमाएगा, कम खिलाएगा, इज्जत तो देगा, प्यार तो देगा, चार लोगों के सामने तुम्हें रिस्पेक्ट तो करेगा। नेहा एक्चुअल में रियल बताऊं तो मैंने इससे कभी पैसों के लिए प्यार नहीं किया और ना ही कभी पैसों के लिए इससे शादी की थी। मुझे लगा कि मेरे से प्यार करता है और मुझे खुश रखेगा, मैंने सिर्फ इसलिए इससे शादी की थी, पर मुझे नहीं पता था शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। अगर तुम इसके साथ रहोगी ना तो एक दिन मर जाओगी, मेरी बात मानो, डिवोर्स ले लो। और हमारा काम था तुम्हें समझाना, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है, चलते हैं हम। और रही बात खाने पीने की, तो हम इस घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करेंगे। तुम लोगों की बातें सुन के मेरी आँखें खुल गई हैं, सोचती हूँ इस बारे में कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करना है, और जैसा सोचूंगी ऑफकोर्स डेफिनेटली तुम लोगों को बताऊँगी। चलिए बाय, ख्याल रखना।